हैं तो हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री उस लायक नहीं है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवादी रूप दे करके उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अरे अब जाइए अपने नेता से पूछिए ना, तेजस्वी यादव से, कितना तक पढ़े हैं, कितना काबिल हैं, उनको उनके बारे में नहीं पूछिएगा। जाइए एक बार पूछिए कि 9वीं पास करके आप उप मुख्यमंत्री जब बन सकते हैं, 18-20 साल से छोड़ दीजिए, ये 30-35 साल से चाचा और भतीजा का फिर अभी जोड़ी है, और पिछले कई वर्षों से लालू जी राज किए, अब नीतीश जी राज कर रहे हैं, और ये लोग बस यही किया है जिससे बिहार बर्बाद हो, बिहार का जिससे अपना घर का विकास नहीं होता है ना, वो निकलता है पूरे पंचायत का विकास करने, ठीक है। तो नीतीश कुमार से अपना बिहार नहीं संभाला जा रहा है और वो पूरे भारत को एकजुट और एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि सर आप पहले अपने आप का विकास करें। हमको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से बेहतर बिहार हम चला सकते हैं, हमको लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार बेहतर हम चला सकते हैं, और मनीष कश्यप जैसे लड़के चला सकते हैं, और तमाम बिहार के वो युवा जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पे धूल मिट्टी फांक रहे हैं, हमको लगता है कि वो युवा बेहतर बिहार को चला सकते हैं, क्योंकि वो बिहार की जर्जर स्थिति को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव पुल गिरा गए हैं, विभास यादव एगो दब के मर गया पुल में, उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन विभास यादव जो पुल के नीचे दब के मरा, यादव ना है, काहे नहीं गए आप तेजस्वी यादव? बात करें भारत का एक अजूबा राज्य है बिहार, और इस अजूबे राज्य में अजूबे मंत्री हैं, तो कोई तथ्य की बात नहीं होगी। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री का एक पहले भी बयान निकल के आया था जिसमें उन्होंने रामचरित मानस को गलत ठहराया था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा गालियां सुननी पड़ी थी। इस वक्त भी उन्होंने एक ऐसा बयान निकाला, ऐसा नियम एक कानून बना दिया है जिससे शिक्षक और जो छात्र हैं उनको भर भर के गालियां दे रहे हैं। अभी मेरे साथ हुंकार दम के संस्थापक विपुल चौबे जी मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बातें उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ बोलिएगा शिक्षा मंत्री के कल वाले बयान पर? देखिए शिक्षा मंत्री का ये बयान कि बिहारी छात्र उस योग्य नहीं है, इसलिए भारत के अनेक प्रदेशों से छात्रों को हायर करने के लिए बिहार में वो लीगल रूप से ये कर दिया गया है, ठीक है। हम मानते हैं कि भारत को, भारत के हर एक राज्य के लोग एकत्रित हों, एकत्रित होकर के काम करें, हम इसमें समर्थन करते हैं, लेकिन आपका ये एकदम गलत बयान देना कि बिहारी सामर्थ्यवान नहीं है, तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा बिहार के लड़के ही आईएएस पीसीएस या अन्य रैंक निकालते हैं, तो हमको लगता है कि बिहारी के प्रति बिहार के मंत्री का इस प्रकार का बयान एकदम गलत है, और इस पे हम लोग युवा, जितना भी युवा है, सब इसका विरोध करता है। अगर बिहार के युवा काबिल नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार बिहार के वो हर एक नेता हैं जिन्होंने बिहारियों को और बिहार के युवाओं को चरवाहा विद्यालय जैसे विद्यालय में भेजने का प्रारूप तैयार किया था। इसके जिम्मेदार बिहार के हर वो नेता है जो चाहता है कि बिहारी पढ़े नहीं, बिहारी सिर्फ लेबर फैक्ट्री बन के दूसरे प्रदेश में जा करके बैलों की तरह काम करे, और इनके नाम को जपते रहे कि फलानवा बिहार के लिए बेहतर किए हैं, ये बिहार के लिए ऐसा कर दिए हैं, और ये समझ लीजिए कि एकदम शर्मनाक है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश चाचा को पीएम बनना है, इसलिए वो पूरे भारत का विकास करना है। हाँ, इसीलिए ना, देखिए जिससे अपना घर का विकास नहीं होता है ना, वो निकलता है पूरे पंचायत का विकास करने, ठीक है। तो नीतीश कुमार से अपना बिहार नहीं संभाला जा रहा है और वो पूरे भारत को एकजुट और एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि सर आप पहले अपने आप का विकास कर लीजिए, सिर्फ 18-20 साल से कुर्सी पे बैठ करके बिहारियों को गर्त में ले जाना, इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास का मतलब होता है कि आप हर जिले में विश्वविद्यालय डलवाइए, सभी युवाओं के लिए पढ़ने लिखने खेलने का व्यवस्था करवाइए, ना कि बिहारी को सिर्फ लेबर बना करके दूसरे प्रदेश में सप्लाई करिए। और ये 18-20 साल से छोड़ दीजिए, ये 30-35 साल से चाचा और भतीजा का फिर अभी जोड़ी है, और पिछले कई वर्षों से लालू जी राज किए, अब नीतीश जी राज कर रहे हैं, और ये लोग बस यही किया है जिससे बिहार बर्बाद हो, बिहार गर्त में जाए। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, बागेश्वर वाले बाबा जब पटना में आए थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा था, जिसके चलते उनको जुर्माना भी उन पे लगा। और एक क्लिप जो फोटेज वायरल हो रहा है जिनके एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए हुए थे और पीछे एकदम अपने राज्य के महाराजा के लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय धर्म का प्रचार करने वाला एक धर्म गुरु आया था बिहार में, तो हमको लगता है कि जो धार्मिक बात करता है वो इन लोगों के नज़र में खटकता है, इसलिए खटकता है कि ये लोग ढोंग है, ढोंगी है, ये लोग ढोंग किया है बिहार के साथ। अब बागेश्वर बाबा का सीट बेल्ट नहीं लगाया उस पर चालान कर देना, और किसी स्टालिन कोई आ करके तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बिहार में घूम रहा है, उसका सीट बेल्ट नहीं लगा, उस पर चर्चा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि बागेश्वर वाले बाबा यहाँ आ करके धर्म का प्रचार कर रहे थे, और यहाँ स्टालिन आ करके, वैसे स्टालिन
वैसे मुख्यमंत्री हैं ना कि जो बिहार का एक नौजवान को फर्जी NSA लगा करके फंसाए हैं तमिलनाडु में, वो बेचारा तमिलनाडु के जेल में बंद है और उस पर सवाल जवाब करने वाला कोई जीवित नहीं है हमको लग रहा है। और वो व्यक्ति अगर बिहार में आ रहा है तो हमारे जैसे युवा स्टालिन का विरोध किए थे और हम लोग हर बार करेंगे। और बात रही सीट बेल्ट की, तो ये सरकार की नाकामी है कि सरकार इस पे कुछ काम नहीं कर रही है। मंत्री हैं तेज प्रताप भी हैं, एक शिक्षा मंत्री भी हैं, लोग कह रहा है कि इनको पशुपालन विभाग का मंत्री बना देना चाहिए। शिक्षा मंत्री का फिर से हम कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो बोले हैं कि बिहारी लायक नहीं है, तो हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री उस लायक नहीं है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवादी रूप दे करके उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अरे अब जाइए अपने नेता से पूछिए ना, तेजस्वी यादव से, कितना तक पढ़े हैं, कितना काबिल हैं, उनको उनके बारे में नहीं पूछिएगा। जाइए एक बार पूछिए कि 9वीं पास करके आप उप मुख्यमंत्री जब बन सकते हैं तो बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अस्थाई शिक्षक हैं, उनमें क्या दिक्कत है भाई, वो तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमको लगता है कि उन लोगों पे विचार करना चाहिए, उनका अस्थाई वेतन करना चाहिए। और जिस प्रकार से शिक्षक काम कर रहे हैं बिहार में, शिक्षकों का क्या है, आप तो चाहते हैं तो कभी दारू पकड़वाने लगते हैं उनसे, कभी शौचालय में लोग खेत में शौचालय करता है तो उनको दौड़ा के पकड़वाते हैं। अब शिक्षक से आप पढ़ाई का बात करवाइए ना, तब ना शिक्षक पढ़ाएगा। आप चेक पोस्ट पे शिक्षक को लगा दे रहे हैं, चुनाव हो रहा है तो वहाँ स्कूल में लगा दे रहे हैं, कोई इधर उधर लगाते रह रहे हैं, तो शिक्षक क्या करेगा। तो आप सबसे पहले कि शिक्षक की जो भर्ती करवा रहे हैं तो आप शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने के लिए छोड़िए, तब ना वो पढ़ाएगा। हालांकि ये लोग इस तरह के विवादित बयान सिर्फ देंगे, बिहार पे इन लोग का ध्यान नहीं है। एक पुल गिरा था भागलपुर में, उसके बाद से किशनगंज में एक पुल गिरा, इस सब पे लोग का ध्यान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, ये पुल नहीं गिरा है, सुशासन सेतु गिरा है, एक आदमी कहा था। ये सुशासन सेतु है जो जिसके नाम पे समझ लीजिए कि बिहारियों का पैसा लूट खसोट किया गया है। बताइए 1710 करोड़ किसी के बाप का था क्या, हम लोग का था ना, हम लोग कर देते हैं तब ना उससे हुआ है ये सब। और उस 1710 करोड़ का कोई मोह माया नहीं है, पुल गिर गया फिर उसी कंपनी को दे दिया गया है पुल बनने के लिए, तो आप मान लीजिए कि फिर दोबारा गिरेगा और तिबारा भी गिरेगा जब ऐसे ऐसे कंपनियों को दिया जाएगा। और इस कंपनी का भी हम दोष नहीं मानते हैं, वो कंपनी वाला टेंडर लेके गया है पुल बनाने, वहाँ का स्थानीय विधायक इन्हीं के पार्टी के, उससे मांगेंगे पैसा, उससे उठाएंगे ले भी, तो वो जब आधा कमीशने में दे देगा तो काम क्या करवाएगा, वैसा ही काम होगा। तो यहाँ गलती सिर्फ ठेकेदार में नहीं है, यहाँ गलती नेताओं में भी है। सबसे पहले तो जो उच्च लेवल में जो नेता बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि ठेकेदारों से ले भी उठाना बंद करिए, नहीं तो अगर आप उठाइएगा पैसा तो हर बार फंसेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बात पुरुषोत्तम राज जी ने हमसे कही थी कि जो तेजस्वी यादव हैं बिहार में युवाओं को पनपने नहीं देते, इनकी प्रतिभा को आगे नहीं आने देते। अगर बात कर ले हम जीतन राम मांझी के बच्चे की उनकी, चाहे बात कर ले विपुल चौबे की, अगर बात कर ले मनीष कश्यप की, इस प्रकार के युवाओं को ये आगे नहीं आने देते। उनको लग रहा है, उनको देखिए ये सत्य बात है कि कोई भी युवा अगर आगे बढ़ेगा तो तेजस्वी यादव की कुर्सी पर खतरा बनेगा, जो योग्य है उसको दबाया जाएगा। ये हर बार हुआ है, अभी का नहीं है, ये भगत सिंह के दौर से आ रहा है कि जो योग्य था उसको फांसी के फंदे को चूमना पड़ा था। तो ये अभी का भी समय वही है, यहाँ जो भी अपने आप को नेता समझ रहे हैं, जो बैठे हैं कुर्सी पे, जो इसकी पुश्तैनी खानदानी कुर्सी अपने आप को मान रहे हैं, जहाँ बैठे हैं उसको मान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो युवाओं के प्रतिभा से, युवाओं की बढ़ती लोकप्रियता से डरेंगे। और जब जब युवा आगे बढ़ेगा, कुछ बेहतर करेगा, बिहार के लिए बेहतर सोचेगा, तब तब वो युवाओं पे NSA लगा करके किसी को तमिलनाडु भिजवाएंगे और किसी को छपरा जेल में फर्जी मुकदमा लगा के भिजवाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की नाकामी है। अगर बिहार का युवा बिहार की राजनीति में आता है तो क्या बिहार की दुर्दशा एकदम बदलेगा। समझ लीजिए कि युवाओं की सोच और युवाओं का कार्यशैली बेहतर है। हमको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से बेहतर बिहार हम चला सकते हैं। हमको लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार बेहतर हम चला सकते हैं, और मनीष कश्यप जैसे लड़के चला सकते हैं, और तमाम बिहार के वो युवा जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पे धूल मिट्टी फांक रहे हैं, हमको लगता है कि वो युवा बेहतर बिहार को चला सकते हैं, क्योंकि वो बिहार की जर्जर स्थिति को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव पुल गिरा गए हैं, विभास यादव एगो दब के मर गया पुल में, उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन विभास यादव जो पुल के नीचे दब के मरा, यादवे ना है, काहे नहीं गए, आप तेजस्वी यादव हैं तो आपको जाना चाहिए, उससे उसके परिवार से मिलना चाहिए। उसका 4 गो बच्चा और बीवी धरना पर बैठा, 15 दिन तक वो लोग धरना किया, कोई नहीं गया, उसको जाके SDM उठा के भगा दिया कि अब तुम लोग जाओ, हम खोज करवा रहे हैं। 15 दिन तक विभास यादव का डेड बॉडी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। तो इसमें तो कम से कम तेजस्वी यादव को जाके संतावना तो देना चाहिए ना कि बाबू चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो यहाँ यादव का यादव भी नहीं है, समझ लीजिए कि ये सिर्फ वोट बैंक की तैयारी है,
कोई किसी का नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप युवाओं को बागडोर सौंपिए, देखिए युवा कितना बेहतर काम करेंगे। लोग ये भी चाहता है कि 2024 में अगर मनीष नहीं तो वोट नहीं। बहुत बढ़िया मुहिम है, हम लोग इस मुहिम को हम लोग भी शुरू करने वाले हैं, और हमको लगता है कि मनीष सिर्फ वोट बैंक का जरिया ना हो। अच्छा। इसलिए इससे बचना भी जरूरी है, क्योंकि मनीष सिर्फ हमारे लिए वोट का जरिया नहीं है। मतलब मनीष के नाम पे बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो वोट एकत्रित करेंगी, लेकिन उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि मनीष को वास्तविक रूप से बाहर निकालिए। आप मनीष को सुशांत सिंह राजपूत की तरह खेल मत करिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत चुनाव के वक्त उनका देहांत हुआ और उनके नाम पे खेला गया, तो हमको लगता है कि मनीष के नाम पे ना खेला जाए, मनीष को न्याय मिलना चाहिए बस। चलिए, मेरे साथ विपुल चौबे जी थे, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।